गाइस, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अरेलिया प्लांट। ये देखिए काफ़ी ब्रॉड लीव्स हैं और वेरीगेटेड है ये। और अगर काफ़ी मतलब कि अग्रवाल नर्सरी चंडीगढ़ से मैंने पूछा था तो 700 में दे रहे थे, तो पॉट विद पॉट दे रहे थे वो, और थोड़े से इसमें 6-7 प्लांट थे। और ये मिला है मुझे आई थिंक 100 में सोलन से, उस साइड अरेलिया वगैरह के काफ़ी प्लांट्स पड़े थे उनके पास। और छोटी लीव्स वाले होते हैं अरेलिया ज़्यादा, ये ब्रॉड लीव्स का तो और भी ज़्यादा प्यारा है, परमानेंट प्लांट है। तो काफ़ी ना अच्छा प्यारा प्लांट है, और थोड़ी सी मतलब कि अगर हम शेड में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चलेगा। थोड़ी सी धूप बर्दाश्त करनी इसको मुश्किल हो जाती है, इवन कि ठंड भी बर्दाश्त करनी मुश्किल है इसको ज़्यादा। तो ठंड में भी जैसे कि ऊपर देखिए हमारे तो छत है, ये देखिए, तो प्लांट्स सारे तरीके के बच जाते हैं, मतलब कि सीधा कोरा भी नहीं पड़ना चाहिए इनके ऊपर, फिर पत्तियां गिर जाती हैं इनकी। वैसे देखा जाए परमानेंट प्लांट है। तो अरेलिया की जितनी भी वैरायटीज़ हैं अब इस मौसम में, जैसे कि अक्टूबर की आज 22 तारीख हो गई है, अब आप ना ही लेके आएँ तो ठीक है, ये थोड़ी ठंड निकलने के बाद ले आइए, जैसे कि ड्रेसिना, क्रोटोन है ना, क्रोटोन की मेनली सर्दियों में सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, उतनी तो नहीं लेकिन उनकी कंडीशन तो बिल्कुल ही डिटीरियोरेटेड हो जाती है, मतलब कि बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको थोड़ी सी केयर कोर करेंगे तो बच जाएंगे। तो पानी वगैरह फ़िलहाल तो हम एक दिन छोड़ के भी दे देते हैं, रोज़ भी दे देते हैं, जैसे भी हमें लगे, ज़्यादा तिक्की धूप है तो लगातार ही दे दिया, अगर एक आधा दिन बादल बूदलें तो नहीं दिया। आज इसका हम प्रोपोगेशन मेथड बताएंगे, कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। ये देखिए दो टहनियाँ नीचे इसके, इस टहनी को तो नहीं करेंगे लेकिन इन दोनों को एक बराबर सी हाइट पर, सेम हाइट पर ले आएंगे कि अच्छा सा बन जाए बुश की तरह, और काफ़ी जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो चलो जी कटिंग अब सोच समझ के करें, यहाँ से कि एक दो पत्ते रह भी जाएं इसके। और मुझे कोई वैसे कटिंग का इतना है नहीं कि कटिंग चले ना चले, लेकिन इस प्लांट को मेनली मेरा होता है कि ये वाला तो अच्छे से ग्रोथ ले। ये देखिए इतने से 3-4 नोड एरियाज आ जाएंगे। लो जी, ये काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन मुझे था रिपोर्टिंग के बाद थोड़ा प्लांट स्टेबल हो जाए, जब स्टेबल हो जाए फिर उसके बाद कटिंग शटिंग का सोचना चाहिए, अदरवाइज़ मैंने कौन सी नर्सरी मतलब कि बनाई हुई है कि हाँ मुझे बड़े प्लांट्स चाहिए, जो जितने भी हैं उतने प्लांट्स हेल्दी हों। अब इसकी काफ़ी बुशेज निकलेंगे यहाँ से, ये वाली पत्ती भी निकाल देते हैं, थोड़ी सी मुरझाई है, सीजर से कटेंगे क्योंकि मेरे भी हाथों से दर्द भी गया नहीं है, इसी में भी गोनी है। ये देखिए तो पत्तियाँ वैसे में रहने देती होती हूँ ज़्यादातर तो, हाँ अगर ज़्यादा कचरा सा लगे छोटे मोटे तब नहीं। ये देखिए बिगोनी है कि नीचे से भी बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, फूल भी देता है ये बिगोनी है जी। हेलो, कटिंग का क्या है, कटिंग में 3-4 पत्तियाँ हमने नीचे से निकालनी है, ऊपर की टिप भी काट देनी है, एक बार ग्रोथ रुक जाए और चल जाए। जैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे लग रहा है 100% ये कटिंग चल जाएगी, इसी में लगा देते हैं। अब ये भी नहीं कि शेड में रखो और रखो, मनु उनको साथ वालों को ना देना, साथ वालों को ना देना, वो बेचारे ज़्यादा पानी से पहले मर गया, देख 2 दिन से ज़्यादा पानी डाल दिया था हमने, इनको देना तो दे लो, इनको कुछ नहीं होता, कार्नेशन का यही पंगा ओवर वाटरिंग से ख़राब होता ही होता है। तो गाइस अब इसको लगा दो, इनको दे दे, वैसे मैं दे चुकी हूँ, उधर वालों को दे दे, उस लाइन में उधर रोज़ को दे दे या और को दे दे, बस और मत डाल बेटे पानी एक बार। ये कार्नेशन है ना जी, इसको चलती वीडियो में यही बता देती हूँ, कार्नेशन ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है हमेशा, तो कभी भी इसकी ओवर वाटरिंग ना करिए, क्योंकि रेनी सीजन में भी ये मर जाता है, तो इसकी जड़ें ऐसी होती है। वैसे डायंथस की फैमिली से, लेकिन उतना हार्ड ही प्लांट नहीं होता ये, फूल बेशक उससे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं गुलाब की तरह। तो आप थोड़ा सा इसको ओवर वाटरिंग से बचाइए। हाँ, और ये बता रही थी कोली, इसकी मैंने 3-4 दिन पहले इसकी पिंचिंग की है, देखिए ये सेम प्लांट्स हैं, एक दिन ही लगे हुए हैं, सारे सैपलिंग से लगाए थे, यहाँ से मैंने इसकी टिप काट दी थी तो 2 शूट्स निकल गए हैं, इसकी काटने का मन नहीं कर रहा, ये प्यारा ही इतना बहुत प्यारा, देखिए कितनी इसके तोते की तरह कलर है, और चोंच भी वैसी बनी हुई है। ये रेड वाला भी ये काट देती हूँ ऊपर से, पिंचिंग के बिना प्लांट ना बुशी बनते नहीं हैं, चलते नहीं हैं।
और लेंटाना मेरी हर वीडियो में आ जाता है, ये दी जरूर लगाइए आप, लेंटाना के पीले फूल तो होए जन्नत। ये अलमंडा, हाँ, और पत्तियों की चार पांच पत्तियां नीचे की उतार देनी है जी। अब एक हाथ से वीडियो बन रही है और एक हाथ में मतलब कि दर्द सा हो रहा है, नहीं तो पत्तियां से निकाल भी लूँ, तीन चार पत्तियां निकाल लूँगी, ऊपर की टिप काटूँगी और इतना मतलब कि 1.5 इंच तक इसको मिट्टी में लगा देना है और आपकी चल जाएगी कटिंग। अगर आपने लगानी है तो कहीं से लेके तो आप लगा सकते हैं इस मौसम में। ओके जी, अगर इस टॉपिक पे आपको वीडियो अच्छी लगी, ज़रूर लगी होगी, इतना प्यारा प्लांट है, इतनी प्यारी प्यारी इसकी पत्तियाँ हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। जल्दी मिलते हैं और वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।